सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। और सॉरी बहुत टाइम से डिले हो गया है कि वीडियो मैंने डाली नहीं है। आई नो काफ़ी सब्सक्राइबर वेट कर रहे थे और दोस्तों ने कहा था कि एंड्रोमेडा की वीडियो डाली जाए, बट गाइज अभी जैसे सीज़न विंटर का है तो थोड़ा फॉगी एरिया है यहाँ पे दिल्ली से, मैंने ट्राई करा था। बट कभी कभार स्काई क्लियर होता है तो हम हार्डली जो प्लैनेट्स होते हैं और स्टार्स होता है हम उसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह इतना पॉल्यूशन रहता है दिल्ली सिटी में, जिसकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की जो बैंड्स हैं, जो विंग्स हैं, वो हल्के से वाइटिश है। मैं आपको शेयर करूँगा फ़ोटो में इस वीडियो में, जो कि सिर्फ डार्क एरिया में ही दिखेंगे जैसे मैंने दिखाया। मैं फ़ोटो शेयर करूँगा। तो गाइज आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, जो कि ये है कि आप सन स्पॉट देखिए। एस्ट्रोनॉमी किसी भी तरह से हो सकती है, तो दिन में भी हो सकती है। दिन में हम सन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने टेलीस्कोप से, और जो कि हमें दिखता है। और कभी कभार प्लैनेट्स भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन का हमारे पास DSLR या टेलीस्कोप होना चाहिए, जैसे निकॉन P1000 है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये गाइस अभी हमारा टेलीस्कोप है, स्टैंड आप जानते ही हो, और ये 75 mm का टेलीस्कोप है। अभी मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन डाली नहीं है, खैर कंस्ट्रक्शन तो सेम होती है, बट आइडिया देना होता है। ये नया फोकसर आपको बता ही रखा है। तो आज मैं थोड़ा फ्री था संडे को, और अभी हमने जस्ट शिफ्ट कराया, तो छत भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोनॉमी के लिए। जिनके पास छत नहीं होती वो समझ सकते हैं मेरे साथ। अब हमने शिफ्ट कराया तो छत भी आ गई है, तो अब थोड़ा टाइम मिलने लगेगा, तो धीरे धीरे वीडियो डलेगी आज के बाद से। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि है सन स्पॉट। अब देखिए सन ये है, और ब्राइटनेस पूरी कम करे तो इस तरह से दिख रहा है। और ये जो गाइस आप ये इसके साइड के 3 वो देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन स्ट्राइक्स, इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, हाउ टू फोकस योर ऑब्जेक्ट। वो भी इस नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, वो मैं बनाते हुए दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी सन पे फोकस करते हैं। ये हमारा 75 mm का टेलीस्कोप है, और इसकी फोकल लेंथ 700 है। आईपीस हमारा लगा है आनंद ट्रेडर्स का, जो कि है कैनलर आईपीस 10 mm। ये है 1.25 का फोकसर, और इसमें जो ब्लैक ये आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इसका गैप भरने के लिए स्पेसर कहते हैं इसे। ये जो है स्पेसर, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो ये आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा हमारा आईपीस। तो ये हमारा ओवरऑल ट्राइपॉड है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा सन स्पॉट और हाँ कैसे देख सकते हैं। और डायरेक्ट आपको इससे आंखों से नहीं देखना है, तो आप क्या कीजिए, आपने अपना टेलीस्कोप सेटअप करा, ठीक है, और ये वाइट पेपर लेना है आपको, ठीक है। आप वाइट पेपर लेंगे, और एक मिनट मैं ज़रा इसे फोकस कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, राइट। तो अभी हम इसमें फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा हमारा सन। चलिए वेट करिए और एक मिनट। तो गाइस जैसे अब सन आ चुका है सामने, आप देख रहे हैं, तो अभी आपको दिखेगा। मैं बिल्कुल ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, और ये अगर हम थोड़ा साइड में करें तो जैसा आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पे डॉट ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक, ये हमारे सन स्पॉट हैं, देखिए। एक मिनट, थोड़ा ये अर्थ रोटेशन हो रही है तो सन थोड़ा हाफ जा रहा है यहाँ से। ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारे सन स्पॉट है। देखिए गाइस फोकस होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा आउटपुट इमेज बनाने के लिए। जैसा आपको दिख रहा है। सो गाइज इस तरह से जैसा आप देखिए, अब अगर मैं पेपर को बिल्कुल पास लेके आता हूँ तो इसका सारा पॉइंट एक फोकस पे हो जाता है, इसलिए आंखों से हम इसे नहीं देखते क्योंकि आंखों को ख़राब कर देता है। ठीक है, अभी तो सन भी थोड़ा फेड ही है और जैसे हम थोड़ा दूर ले जाएंगे तो इसका फोकस एकदम क्लियर होगा। और ये देखिए, अभी मैं इसे थोड़ा दूर ले जाऊँगा तो एकदम इसके ब्लैक स्पॉट भी क्लियर आपको विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए, तीन स्पॉट एकदम क्लियर विजिबल हो रहे हैं। बट जब आप अपनी क्लियर ऑब्जर्वेशन करेंगे अब खुद सेल्फ से, तो आपको और क्लियर दिखेगा। तो गाइज़ यही है, अभी जो छोटी छोटी ट्रिक्स आती रहेंगी इस तरह से, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें सोलर फिल्टर काफ़ी महंगा आता है, तो विदाउट उसके भी आप इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। और थैंक्स, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और ये इस टेलीस्कोप के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बाकी आप सब जानते ही हैं। एंड अब नेक्स्ट में मैं मार्स की वीडियो लेके आऊँगा, मार्स निकल रहा है डेली। तो थैंक्स।